आज हम बात करेंगे कचरे के बारे में, कचरा गार्बेज वेस्ट के बारे में। क्या आपको पता है हम एक दिन में कितना कचरा होता है हमारे देश? मैं आज आपको बताता हूँ एक दिन में हमारे देश में कितना कचरा होता है। आपको लगभग आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता कि हमारे देश में कितना कचरा एक दिन में होता है। आप मैं बताता हूँ, कुल एक नहीं दो नहीं पूरे 12 लाख टन एक दिन में हमारे देश में कचरा होता है। आप इतना सोच नहीं सकते 12 लाख टन कचरा रखने के लिए कितनी जगह की जरूरत पड़ती होगी। हमको पता है 12 लाख टन रखने के लिए अपने को जगह की जरूरत। आपको अंदाजा मैं बताता हूँ, मुझे भी पूरे पता नहीं होगा पर मैं आपको बताता हूँ, लगभग लगभग एक स्टेडियम ग्राउंड का स्टेडियम ग्राउंड क्रिकेट के स्टेडियम ग्राउंड के जितना कचरा रखने की जगह की जरूरत पड़ेगी। और हम कचरा फेंकने जाते हैं तो हम कचरा कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन के बाहर, या दोनों मिक्स लेके जाते हैं और बाहर डाल के आते हैं। इसलिए और मोदी जी हमारे फिलहाल प्रधानमंत्री योजना चले स्वच्छ भारत अभियान, वो बोल रहे कि कचरा अलग रखना, गीला कचरा अलग सूखा कचरा अलग, पर हमारे देश की पब्लिक सुनने को तैयार नहीं। करना तो अपना ही है ना, इसलिए हमने उसके बारे में सोचा और कुछ नया सोचने के बारे में। आपको पता होगा जहाँ फायदा इंडिया पहले वहाँ, आपको ये सब आपको तो मालूम होगा, जहाँ फायदा इंडिया की पब्लिक पहले वहाँ जाएगी भले वो किसी चीज का भी फायदा क्यों ना हो। इसलिए हमने एक नया चीज सिस्टम डेवलप किया स्मार्ट डस्टबिन। उससे फायदा क्या होगा, हम जो कचरा फेंकते हैं किधर भी कचरा फेंक देते हैं, डस्टबिन जो बाहर फेंकते हैं उससे मच्छर होता है, प्लास्टिक गाय खाती है, उससे क्या होता है गाय मर जाते हैं, दूध उन लोगों के दूध में दूध अच्छे नहीं आने लगते, फिर उनको बीमारियां होती है, उससे हमें बीमारियां होती है। इससे अच्छा आप कचरा डस्टबिन में डालें, उसमें हम अपने फायदे और आपके फायदे और गवर्नमेंट के फायदे और उसके साथ साथ कंपनियों को भी फायदा पहुंचाने का एक नया स्मार्ट डस्टबिन बनाया है। स्मार्ट डस्टबिन क्या है आपको आज मैं बताता हूँ, ये हमारी सोच है। अभी आपको कैसा लगता है आप बताना हमें। स्मार्ट डस्टबिन एक ऐसा डस्टबिन है जिसमें चार अलग अलग केबिन होंगे, चार अलग अलग कचरे रखने की जगह होंगे और उससे आपको बेनिफिट होगी। बेनिफिट मतलब क्या, आपको पैसे मिलेंगे। आपको पैसे मिलेंगे मैं बताता हूँ। आप ये हमारे स्मार्ट डस्टबिन है, ये एक एटीएम जैसी मशीन है, एटीएम जैसी मशीन, उसमें आपको एटीएम नहीं डालना है, आधार कार्ड स्कैन कराना है। आपको पता होगा कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक से लिंक है, ये मशीन चलेगा आपका डेटा चोरी हो जाए इससे कुछ नहीं होगा। ये आप आधार कार्ड जो स्कैन करवाते हो ये वो पूरे डेटा आपका सिक्योर रहेगा, गवर्नमेंट के पास रहेगा। ऐसे भी आपका डेटा गवर्नमेंट के पास है ही है, इससे भी डेटा आपका गवर्नमेंट के पास रहेगा। ये जो स्मार्ट डस्टबिन है एक कॉन्ट्रैक्ट टेंडर कंपनियां प्राइवेट कंपनियां भरेंगी जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता है उसके लिए ये स्मार्ट डस्टबिन है। वो टेंडर भरेंगी, वो सिटी को क्लीन रखने की कॉन्ट्रैक्ट लेगी। उसमें क्या है ये डस्टबिन है कि आपको बताता हूँ, कंपनी ये डस्टबिन स्टैब्लिश करेगी आर एरिया में, सोसाइटी में, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, ऐसे बड़ी बड़ी जगह पे, बड़ी बड़ी सोसाइटी में उसके लिए, और बड़ी बड़ी कॉलोनियों में और जहाँ पब्लिक ज्यादा कचरा होता है उस जगह पे। इसमें करना क्या होगा, ये डस्टबिन जहाँ भी रहेगी आपको जाना है, आपको पता होगा कि 5 साल के बच्चे का भी आधार कार्ड उसके बैंक से लिंक है और 5 साल का बच्चा भी कचरा फेंकने जाएगा उसको बेनिफिट मिलेगा। इससे पहले आपको जाना है अपना आधार कार्ड स्कैन करवाना है। आधार कार्ड आपका स्कैन करवाते ही आपको अपना कचरा घर से अलग अलग करके लेकर जाना है और आधार कार्ड या अपना अंगूठा साथ में, अंगूठा या फिंगर जाना है आपको, अपना आधार कार्ड स्कैन कराना है या अंगूठा लगाना है। उससे क्या होगा ये जो चारों मिनी वेस्ट कलेक्टर है ये वो खुल जाएंगे। उसमें क्या है आपको गीला कचरा घर अलग डालना है, सूखा कचरा आप अलग डालना है, सूखा कचरा और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और जिसको पता नहीं हो, जिनको पता नहीं कौन सा कचरा किसमें डाला जाता है वो अदर ऑप्शन रहेगा उसमें डालना है। इसमें होगा क्या, आप जैसे कचरा डालोगे ये चारों कंटेनर खुल जाएंगे, चारों कंटेनर खुलने के बाद हम उसमें कचरा डालेंगे, कचरा डालने के बाद उसे कंप्रेस किया जाएगा मतलब उसको दबाया जाएगा दोनों तरफ से, उसमें जो भी पानी हो या अगर पत्थर और लोखंड उसमें गलती से आ गया तो डस्टबिन नहीं लेगा अंदर और वो आपको बाहर बताएगा, आप उसको निकाल के दूसरे बॉक्स में डालो और उसके बाद उस कचरे का वजन किया जाएगा। आपको कचरा अगर लगभग मेरे अंदाजे से गीला कचरा
एक किलो होता है और सूखा कचरा एक किलो होता है, दोनों अगर सूखा कचरा एक किलो है आपका तो पूरे पूरे 5 रुपए मिलते हैं उसको बेचने पे। आपको पता होगा, आपने भी बेचा होगा भंगार या प्लास्टिक या पेपर, कुछ से बेचते हैं न्यूज पेपर बेचते तो 6 से 7 रुपए किलो जाता है, भंगार वाले को देखते हैं तो अगर पेपर खाने जैसे फटा पेपर न्यूज पेपर हम घर कुछ भी पेपर हो किसी चीज का भी पेपर हो 5 रुपए किलो जाते हैं। वेट वेस्ट करता हूँ, गीला कचरा, गीला कचरे में क्या होगा, गीला कचरा हमें रंग पूरे पता नहीं है इससे हम अंदाज लगा के पता नहीं तो नहीं 2 से 3 रुपए किलो जाता है। और आप पूछ रहे हो गीला कचरा किस काम में आता होगा, सूखा कचरा किस काम में आता होगा, गीला कचरा आप घर में एलपीजी गैस यूज करते हो या सूखा कचरा रिसाइकलिंग में काम आएगा, गीला कचरा एलपीजी गैस जो यूज करती है उसे बनाने के काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता है, इसलिए गीला कचरा भी खरीदा जाता है। आपको पता होगा आपके बाजू आजू बाजू या बहन तबीले कोई होंगे उधर से गोबर भी खरीद के लेकर जाया जाता है, क्यों, वो गैस बनाने में काम आता है इसलिए। और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपको पता होगा आपके घर में भी आजकल स्मार्टफोन फोन का जमाना है, आपके घर में भी फोन पड़े होंगे उसको आप उस डस्टबिन में लाकर डालोगे, एक फोन की कीमत आपको खाली फोन का सर्किट भी रहेगा ना तो आपको स्मार्टफोन स्क्रीन टूट गया पूरा कुछ नहीं कहीं बढ़ नहीं सकता तो भी उस फोन के आपके 200 रुपए मिलेंगे आप अगर इस डस्टबिन में डालते हो तो। आपको पता होगा आपके फोन के सर्किट अगर एक किलो होता है तो पूरे 1200 रुपए मिलते हैं, पूरे 1200 रुपए किलो जाते हो तो उसमें होगा क्या, आपको 5 रुपए पूरे नहीं मिलेंगे। आप सोच रहे थे ऐसे तो मेरे घर में 2 रोज 4 किलो कचरा पैदा होता है, तब 4 किलो का हो गया 20 रुपया, 20 रुपया मुझे रोज मिलेंगे आप नहीं, इससे होगा क्या आपको मैं बताता हूँ। जो 5 रुपए है 5 रुपए में से सिर्फ 1.5 रुपए आपके अकाउंट में जाएंगे और 1.5 रुपए आपके अकाउंट में जाएंगे, बाकी जो भी हो उसमें से 70% गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएंगे और बाकी जो 20 जो भी बचा 30% वो उस कंपनी में जाएंगे। उस कंपनी को क्यों आप सोच रहे होंगे, वो कंपनी इस मेंटेनेंस का खर्चा ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन सारे, और आप सोच रहे हो पैसा किससे आएगा हमारे अकाउंट में, वो कंपनी जितना कचरा यहाँ से उठाती है जितना कचरा यहाँ से उठाएगी वो कंपनी वो जितना भी पैसा होगा जैसे एक दिन में वो उठाएंगे लगभग सोच लेते हैं 200 किलो कचरा लिया 200 कचरा 200 किलो कचरा अगर लगभग माने तो 500 रुपये होता है, वो 500 200 किलो का सॉरी 500 तो नहीं होगा 5000 मान लेते हैं 5000 होता है, वो 5000 में से जितना उसका होता है वो कट करके पूरा का पूरा गवर्नमेंट भेज देंगे और वो गवर्नमेंट में आपका डेटा ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा, आपने इस दिन कितना कचरा डाला है कौन से दिन कितना कचरा डाला है वो गवर्नमेंट के पास आपका डेटा अवेलेबल रहेगा, उसके हिसाब से आपका जितना पैसा होता है आपके अकाउंट में मंथली जमा कर दिया जाएंगे। आपको इंस्टेंट पेमेंट उसमें इंस्टेंट पेमेंट और टैक्स डिडक्शन का भी ऑप्शन रखा जाएगा, उससे क्या आपको तुरंत पैसे चाहिए आपके 5 रुपए है अगर 1.5 रुपए होते उसमें से सिर्फ आपको 1 रुपए दिए जाएंगे, क्यों ट्रांजेक्शन चार्ज करते हैं आपको पता है ट्रांजेक्शन चार्ज भी काटा जाता है। ये हमारा आज का सोच है, आप अगर आपको अच्छा है आप सोच रहे कैसा है आपको कैसा लगता है या बताएं।